आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न पदार्थों को देखते हैं इनमें से कुछ अम्लीय हैं जैसे सिरका नींबू जैसे फल चाय कॉफ़ी इत्यादि और कुछ शारकीय हैं जैसे साबुन मीठा सोडा एंटासिड इत्यादि आप पदार्थों की अम्लीय और शारकीय प्रकृति से परिचित हैं इनकी प्रकृति की पहचान के लिए अम्ल सूचकों जैसे लिटमस पत्र के बारे में भी आप जानते हैं परंतु क्या आप जानते हैं इस प्रकृति के तुलनात्मक मापन के लिए पीएच पैमाने को काम में लेते हैं आइए एक प्रयोग करते हैं जिसमें पीएच पत्र का उपयोग करके पदार्थों के विलयनों तथा फलों के रस की पीएच ज्ञात करना है पीएच किसी विलयन की अम्लीय या शारकीय सामर्थ्य का माप होती है उदासीन विलयन का पीएच सात होता है सात से कम पीएच वाला विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है और सात से अधिक पीएच वाला विलयन शार्कीय प्रकृति दर्शाता है पीएच पत्र भिन्न पीएच पर भिन्न रंग दर्शाता है आज के प्रयोग की आवश्यक सामग्री है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, सोडियम क्लोराइड विलयन मृदा जल निष्कर्ष मौसमी का रस एक जल से भरा हुआ बीकर पीएच पत्र पी पत्र का रंग चार्ट और ड्रॉपर ध्यान रहे कि मृदा जल निष्कर्ष बनाने के लिए हमने 10 मिलीलीटर आसुत जल में एक ग्राम मृदा डालकर उसे कांच के छड़ से हिलाया और फिर फिल्टर पत्र से छान लिया इस प्रकार हमें यह मृदा जल प्राप्त हुआ आइए प्रयोग को प्रारंभ करते हैं इसके लिए सबसे पहले पीएच पत्र का एक टुकड़ा लेकर सफेद टाइल पर रखते हैं और पहले बीकर से एच लेकर ड्रॉपर की मदद से कुछ बूंदें पीएच पत्र के टुकड़े पर डालते हैं आप देख रहे हैं कि पीएच पेपर के रंग में परिवर्तन आ रहा है इस परिवर्तित रंग को पीएच पेपर के रंग चार्ट से मिलान करते हैं इस प्रक्रिया में जो रंग सबसे अधिक मेल खाता है उसके सामने लिखा पीएच ही हमारे सैंपल का पीएच होगा इस मिलान से यह स्पष्ट हो गया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच एक है ड्रॉपर को आसुत जल से धोकर रखते हैं प्रयोग के दूसरे भाग के लिए एक पीएच पेपर लेते हैं और उसे व्हाइट टाइल पर रखते हैं अब दूसरे सैंपल अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेकर ड्रॉपर की मदद से पीएच पेपर पर डालते हैं आप देख रहे हैं कि इसके रंग में परिवर्तन हो रहा है इस परिवर्तित रंग को पीएच पेपर के रंग चार्ट से मिलान करते हैं और इस मिलान से यह स्पष्ट हो गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का पीएच मान 10 है प्रयोग के तीसरे भाग के लिए पीएच पत्र लेंगे और सफेद टाइल पर रखेंगे ड्रॉपर की मदद से तीसरे सैंपल अर्थात सोडियम क्लोराइड का विलयन लेकर कुछ बूंदे पीएच पत्र पर डालते हैं परिवर्तित रंग का पीएच मान सात पी मान से मेल खा रहा है अतः हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड विलियन का पीएच मान सात है प्रयोग के चौथे भाग के लिए एक बार फिर पीएच पेपर लेंगे व्हाइट टाइल पर रखते हैं और चौथे बीकर से मृदा जल निष्कर्ष लेंगे और ड्रॉपर की सहायता से एक बूंद पीएच पेपर पर डालते हैं आप देख रहे हैं कि इसके रंग में परिवर्तन आ रहा है और यह है परिवर्तित रंग पीएच पेपर के रंग चार्ट से मिलान करने पर नौ आया है इस प्रकार हम कह सकते हैं मृदा जल निष्कर्ष का पीएच मान नौ है प्रयोग के आखिरी भाग में एक बार फिर पीएच पेपर लेंगे और मौसमी के रस को ड्रॉपर के मदद से इस पर डालते हैं आपने देखा कि इसके रंग में परिवर्तन आ रहा है परिवर्तित रंग को पीएच पेपर के रंग चार्ट से मिलान करते हैं इस मिलान में यह स्पष्ट हो गया है कि यह तीन और पाँच के बीच में है इसे हम लगभग चार मान सकते हैं अपने पांचों पदार्थों के सैंपल्स का पीएच मान हमने एक सारणी में नोट किया है आइए एक नज़र सारणी पर डालते हैं पहले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जिसका पीएच मान एक है और यह अम्लीय प्रकृति का है दूसरे बीकर में तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन लिया जिसका पीएच मान दस है और यह शार्कीय प्रकृति का है तीसरे बीकर में सोडियम क्लोराइड का विलियन लिया जिसका पीएच मान 7 है और यह उदासीन प्रकृति का है चौथे बीकर में मृदा जल निष्कर्ष लिया जिसका पीएच मान 9 है और यह भी शारकीय प्रकृति का है पांचवें बीकर में मौसमी का रस लिया जिसका पीएच मान लगभग 4 है और यह अम्लीय प्रकृति का है अपने प्रेक्षणों के आधार पर आज के परिणाम की चर्चा करते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मौसमी का रस दोनों अम्लीय हैं क्योंकि इनका पीएच मान सात से कम है जबकि सोडियम क्लोराइड विलयन उदासीन प्रकृति का है इसलिए इसका पीएच मान सात है मृदा जल निष्कर्ष और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन इन दोनों का पीएच सात से अधिक है इसलिए ये दोनों शारकीय प्रकृति के हैं परिवर्तित रंग का पीएच मान सात पीएच मान से मेल खा रहा है अतः हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड विलियन का पीएच मान सात है इसी प्रकार आप अपने आसपास के पदार्थों का पीएच मान भी ज्ञात कर सकते हैं इससे आपको यह पता लगेगा कि वह अम्लीय है शारकीय है या उदासीन प्रकृति के हैं